हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लिटरेचर लवर्स यूट्यूब में, और ये है सेशन आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन ऑन जॉन गाल्सवर्दी। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आप कौन कौन है जो लाइव है, जो मुझे वॉच कर रहा है, और सभी लोग दोस्तों एक बार बोल दीजिए कि यस, कौन कौन है मेरे साथ इस क्लास में, और क्या ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है गाइज। आई होप सो कि सब कुछ क्लियर होगा दोस्तों। आज की क्लास की शुरुआत में बहुत ही बेहतरीन कुछ चंद लाइनों से करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये अंतिम समय है, और अंतिम समय में बेहतर प्रिपरेशन के लिए कुछ मोटिवेशन जरूरी है। तो दोस्तों ये लाइन्स हैं आपके लिए जो आपको समर्पित हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, संभलो किस योग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न गिरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। तो दोस्तों हमें एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से ये जो प्रयत्न है और एक जो कोशिश है अपने जीत की, अपनी सफलता की, तो एक बहुत ही हमें पॉजिटिव वे में करना है, सकारात्मक वे में करना है, क्योंकि आप इंसान हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इंसान कौन सी ऐसी दोस्तों कोशिश है जो इंसान से नहीं हो सकती, कौन सा ऐसा प्रयत्न है जो मानव से नहीं हो सकती। गाइस चलते हैं दोस्तों, और आगे की इस क्लास को आज शुरू करता हूं सबसे पहले, क्योंकि मुझे लगा आज मॉर्निंग कोट मुझे देना चाहिए मुझे स्टूडेंट्स को, ताकि थोड़ा सा शायद मोटिवेटेड फील करें। दोस्तों मैं हूं एकेश राजवीर, आपके इस यूट्यूब चैनल पर यानी कि लिटरेचर लवर्स पर। और दोस्तों आपको मैं पढ़ाता हूं यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम के लिए। और दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम, सो यू कैन ज्वाइन माय पेड कोर्सेज ऑन अनअकैडमी द लर्निंग ऐप टू। यू कैन ऑल्सो वॉच माई डेली फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी ऐप। एंड दोस्तों ये देखिए चार्जेस है जो आपको पे करने पड़ते हैं पेड कोर्सेज के अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में, और ये है मेरा रेफरल कोड फ्री कोर्सेज को अनलॉक करने के लिए या फिर दोस्तों पेड कोर्सेज लेने के लिए, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलता है इस कोड को यूज करने के बाद। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास, क्योंकि मैं पिछली क्लास में ऑलरेडी आपके लिए 50 क्वेश्चंस कवर कर चुका हूं, और अब दोस्तों ये टाइम है कि अब 50 से आगे की दोस्तों कहानी की जाए, यानी 50 से आगे जो क्वेश्चंस थे उन पर मैं आप सभी से बात करूं। तो बस दोस्तों आपका ये 2-3 मिनट जो मैंने लिया, ये मैं हमेशा लेता हूं, और आप 2-3 मिनट अपनी जिंदगी के मेरे नाम हमेशा करते रहिएगा। उम्मीद है मुझे कि आप इसमें कभी निराश नहीं होते होंगे कि नहीं सर, रोज 2-4 मिनट ले लेते हैं हमारे, है ना। चलिए दोस्तों सो शुरू करते हैं आज की क्लास, और ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 50 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी करवा दिए थे, और ये है दोस्तों 51 क्वेश्चन नंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन द जॉय। ये दोस्तों जो जॉय वर्क है, बिल्कुल गाइस जॉय जो वर्क है, तो प्लीज आप मुझे बताएं जल्दी से। यस सो गाइज ये बताएं प्लीज, जॉय जिसमें हीरोइन कौन सी है, हार्नेस, मोबल, डिक मर्टन और एनी गाइज। हरिए प्लीज जल्दी से आप सभी लोग चलते रहें और करते रहें और बताते रहें। या गाइज करेक्ट वन आंसर, व्हाट इज नेम ऑफ फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन द जॉय। आपके आंसर नहीं आ रहे हैं गाइज, करेक्ट आंसर है डिक मर्टन। डिक मर्टन इज द नेम ऑफ फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन द वर्क जॉय गाइज, यस दी जॉय। ये जो वर्क है दोस्तों किसका, जॉन गाल्सवर्दी का, और इसमें जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, सो द नेम ऑफ फीमेल प्रोटैगनिस्ट इज डिक मर्टन इज द नेम गाइज। यस नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच प्ले वेलविन वॉज एन आर्टिस्ट, सिल्वर बॉक्स, द पिजन, द स्ट्राइव, लॉयलिटीज गाइज। किस प्ले में
वेल्विन एक आर्टिस्ट है. इट्स सिल्वर बॉक्स, पिजन, द स्ट्राइव, लॉयलिटीज. 30 सेकेंड के साथ दोस्तों आप सभी को आंसर करना है. विद इन 30 सेकेंड, नॉट मोर देन 30 नॉर लेस देन 30 गाइस. यस, करेक्ट आंसर इज द पिजन. द पिजन इज अ प्ले बाई जॉन गाल्सवर्दी. बेसिकली दीज ऑल आर द प्ले लाइक सिल्वर बॉक्स, पिजन, स्ट्राइव, लॉयलिटीज. And this is the work, guys, Pison, where you can see there is a character, Welwyn, guys. Welwyn. And he is an artist. Correct one answer is, guys, B. Yes. सब लोग रॉक कर रहे हैं आज, और क्योंकि आप नर हैं और अपने मन को निराश नहीं कर सकते कभी, है ना, क्योंकि आप लोग कांटों में भी राह बनाते हैं. In which play a young woman kills her own child to escape social tyranny? The Escape, The Skin Game, The Windows or The Justice? किस प्ले में दोस्तों एक वुमेन है जो अपने खुद के बच्चे को मार देती है? So that she cannot face social tyranny. The Escape, The Skin Game or The Windows or The Justice? Correct one answer please. जल्दी से सभी लोग चलते चले. और बिल्कुल दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप फिर से आज 50 क्वेश्चन और अगली क्लास 100 क्वेश्चंस ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ. गाइस भरोसा कीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे. अगर नहीं आएंगे तो भी आ जाएंगे गाइस, है ना, आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आएंगे गाइस. सो करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस वन इज द विंडोज गाइस. यस, द विंडोज इज करेक्ट वन आंसर. A young woman kills her own child to escape social tyranny. This one is the work. Windows by whom? So it's by John Galsworthy, guys. Correct one, na? The Windows. सभी लोग दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं. Number 54, guys. Which drama of Galsworthy depicts the fight of an idealist against adverse social forces? चलिए दोस्तों जल्दी से, यस जल्दी से चूज कीजिएगा करेक्ट वन आंसर. यस गाइस, जल्दी से चूज करते चलिएगा गाइस. करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस वन. थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में डिटेल बताएं कि आपको विंडोज के बारे में. दोस्तों विंडोज जो वर्क है गाल्सवर्दी का, सो ये बेसिकली दोस्तों लिबरलिज्म पर है. और ज्योफ्री बीवर्स गाइज, यू नो, बेसिकली इन लोगों ने इस प्ले को प्रोड्यूस किया था, इस पर्टिकुलर वर्क को गाइज. यस, और ये जो वर्क है, मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं लिमिटेड इंपॉर्टेंट है. बहुत ज्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. Which drama of Galsworthy depicts the fight of an idealist against adverse social forces? 54. Correct answer is, guys, The Mob. क्योंकि बहुत सारे वर्क लिखे हैं गाल्सवर्दी ने, इनके बारे में दोस्तों थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं. कुछ प्लेज हैं जिनको आप बहुत ज्यादा जान सकते हैं, जैसे स्ट्राइफ, सिल्वर बॉक्स, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर आप कहें फोर्सेट सागा जो सीरीज है, इसके बारे में जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, गाल्सवर्दी डज नॉट क्रिएट लाइफ बट ही हैज इंटरप्रेटेड टुडे. हु सेड? जे एल रॉय, गार्नेट, आर रेसली और हरमन ओल्ड. गेट ऑफ कर दीजिए. हे गाइज, यस, चूज करेक्ट वन आंसर. वाओ, ग्रेट, सभी लोग चलते चलिएगा. और अगर आप चलते चल रहे हैं तो दोस्तों चलती का नाम ही गाड़ी होता है. यस, सो सेकेंड पार्ट दोस्तों ये गाल्सवर्दी का काफी बेहतर लगेगा आपको. करेक्ट वन आंसर ऑफ 55 गाइस. 55 का करेक्ट आंसर है डी, इट्स हरमन ओल्ड. OULD गाइस, यस, इट्स हरमन ओल्ड जिन्होंने ये कहा है गाइस. क्या? गाल्सवर्दी डज नॉट क्रिएट लाइफ बट ही हैज इंटरप्रेटेड टुडे. ओके, इन्होंने जीवन क्रिएट नहीं किया बल्कि इन्होंने जीवन को आज के परिप्रेक्ष्य में क्या किया है, इंटरप्रेट किया है, एक न्यू मीनिंग दी है गाइस. करेक्ट आंसर इज डी. द नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन फॉर हिज अनफॉरगेटेबल सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कॉमेडी? हु अमंग द फॉलोइंग राइटर इज नोन फॉर अनफॉरगेटेबल
सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कॉमेडी, डी एच लॉरेंस, पीजी वुडहाउस, थॉमस हार्डी, जॉन गाल्सवर्थी। प्लीज हरी अब जल्दी जल्दी दोस्तों आंसर चूज कीजिए। क्या बात है, आज तो बहुत कम स्टूडेंट्स है, मतलब ऐसा क्या हुआ गई इसकी आज बहुत कम आए, क्या कोई गड़बड़ी थी? वैसे आज आएंगे बहुत सारे लोगों की अभी नींद नहीं खुली हुई होगी, सुबह का टाइम है ना, वो भी तो है, बहुत सारी चीजें हैं अभी। सो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका बेसिकली डी, जॉन गाल्सवर्थी। डायरेक्टली आपको आंसर वही देना है, आप समझते हैं ना गाइस, जॉन गाल्सवर्थी इज करेक्ट वन आंसर। यस गाइस, सो क्योंकि ये ह्यूमर और कॉमेडी बेसिकली गाइस आपको पता होना चाहिए, जॉन गाल्सवर्थी काफी सीरियस राइटर है बट स्टिल कॉमिक एंड ह्यूमरस एलिमेंट विद यू नो गाइस जस्टिफिकेशन विद जजमेंट दैट कैन बी ऑल्सो सीन इन हिज वर्क्स, है ना। चलिए जबरदस्त गाइस, है ना। हु इज द चेयरमैन ऑफ द थ्री नार्था टिन प्लेट वर्क्स इन स्ट्राइप गाइज? यस, सो एडगर एंटनी, रॉबर्ट्स, जॉन एंटनी या फिर वैन क्लिन, कौन है दोस्तों, कौन है चेयरमैन जो त्रिनाथा टिन प्लेट फैक्ट्री में है, द प्ले स्ट्राइप गाइज, स्ट्राइप वर्क में गाल्सवर्दी के। हरी अब दोस्तों सभी लोग आप आंसर कर सकते हैं बिल्कुल डायरेक्टली दोस्तों, इट्स एडगर एंटनी, रॉबर्ट्स, जॉन एंटनी और यस वैंकलिन। करेक्ट वन दोस्तों इसका आंसर है सी, इट्स जॉन एंटनी। जॉन एंटनी ही करेक्ट आंसर है ना। या दोस्तों आपके कमेंट्स का क्या हुआ, कमेंट्स आपके इस समय बड़े स्लो आ रहे हैं और दिख भी नहीं रहे हैं। यस गाइस, जॉन एंथनी करेक्ट वन आंसर। कितने लोगों को पता था, ऑलरेडी पता था आप सभी को जॉन एंथनी गाइस। एंड द प्ले स्ट्राइप कब आया था दोस्तों, प्ले स्ट्राइप, स्ट्राइप गर्ल्स वर्दी का कब आया था गाइस ये वर्क, और क्या क्या चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है। बेसिकली दोस्तों जो स्ट्राइप वर्क है ये थ्री एक्ट प्ले है, पहली बात तो आप ये जानते ही होंगे, दिस इज अ थ्री एक्ट प्ले, है ना गाइस। यस, और माना जाता है बहुत सक्सेसफुल रहा है। 1909 इज द टाइम पीरियड गाइस, यस, कि जब इसे परफॉर्म किया गया था फर्स्ट टाइम ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में, याद है किसी को गाइस, ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में इसे परफॉर्म किया गया था। ये तो दोस्तों हो गई छोटी सी बात। इसके कैरेक्टर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, सो कैरेक्टर्स को याद रखिएगा प्लीज। यस, अगर कैरेक्टर्स को आपने याद रख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है गाइज। या और ये जो इंसिडेंट है आपको पता होना चाहिए गाइज कि इस पर्टिकुलर वर्क में जो इंसिडेंट प्लेस लेता है वो 7th ऑफ फेब्रुअरी को गाइज। यस, 7th ऑफ फेब्रुअरी गाइज, यू नो यहां से ये इंसिडेंट स्टार्ट होता है बेसिकली, है ना। यस, एंड 7th ऑफ फेब्रुअरी से क्या स्टार्ट हुआ था, स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी। Which play made great sensation, especially to parliamentary and official circles, according to Galsworthy? The Mob, the Strife, or the Peasant, or the Justice Guys? चलते चलिएगा। Yes, और जो भी देखिए आपको दोस्तों कुछ चीजें याद हो वो लिखते चलिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए, अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी दोस्तों अच्छा लगेगा, है ना। जैसे बाय द वे आपको किसी प्ले के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, सो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन ऑन कमेंट बॉक्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस। विच प्ले मेड ग्रेट सेंसेशन स्पेशली टू पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल्स अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्दी? तो दोस्तों ये जस्टिस जो प्ले था गाल्सवर्दी का, इसने पार्लियामेंट्री और यू नो ऑफिशियल सेंसेशन को बर्थ दिया था, है ना गाइस। यस, एंड द प्ले इज जस्टिस। ये दोस्तों प्ले आया था आपका 1910 के टाइम पीरियड में, यानी कि दोस्तों स्ट्राइप, STRIFE, 1909, एंड इसके बाद दोस्तों आ गया 1910, और ये दोस्तों कौन सा है, ये है जस्टिस। यस गाइस, बिल्कुल जस्टिस। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इस प्ले को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर गाइज विंस्टन चर्चिल ने देखा था इसकी परफॉर्मेंस को, कहां पर दोस्तों, ये किस प्लेस में, ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में गाइज, ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में विंस्टन चर्चिल ने दोस्तों इस पर्टिकुलर प्ले की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस को देखा था दोस्तों, है ना। यस, और इसमें जो कैरेक्टर है तो कैरेक्टर जैसे रुथ हनीबल है ना, और फाल्डर एंड ऑल गाइड्स, यस। सो ये सारे कैरेक्टर हैं बेसिकली, जो बेसिक कैरेक्टर है गाइज। और भी अदर कैरेक्टर हैं, और भी अदर पर्सोनास हैं, तो प्लीज उनको याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, है ना। जैसे जेम्स हाउ, वॉल्टर हाउ का नाम भी कई बार आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्ले जस्टिस से। देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस, घर में केवल एक ही मालिक हो सकता है एक घर में। वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल, और अगर वहां पर दो लोग हैं तो उनमें से जो बेटर है तो वो रूल करेगा। हु इज द स्पीकर? एंटनी, रॉबर्ट्स, हार्नेस और फादर गाइड्स। यस प्लीज गो फॉर इट। और एक बार मैं दोस्तों देखना चाहूंगा करेक्ट आंसर आप सभी का, सभी लोगों का गाइड्स। यस यस गुंजन, देखिए सभी लोग, जितने भी लोग हैं, अगर एक-एक पॉइंट लिखेंगे ना दोस्तों आप, तो आप बहुत अच्छे से मतलब पॉइंट से परिचित हो पाएंगे। करेक्ट वन दोस्तों इसका आंसर है, ये रहा दोस्तों करेक्ट आंसर, ए है, आंसर इज एंटनी गाइड्स। किसने कहा था ये बात? एंटनी ने कहा था, देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस, देयर कैन ओनली बी, यस गाइस, देयर कैन ओनली बी ओनली वन मास्टर इन अ हाउस गाइस, यस, है ना। सो गाइस ये है करेक्ट वन आंसर, गॉट इट ना। यस गाइस प्रोसीड करते हैं हम लोग आगे। इन दिस प्ले देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एस्टैब्लिश्ड एरिस्टोक्रेसी एंड द लॉ अनकल्चर्ड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास ऑफ लंदन सोसाइटी। व्हिच इज द प्ले? द स्किन गेम, द मॉब, द सिल्वर बॉक्स और नन ऑफ दीज गाइड्स। चलते चलिएगा बिल्कुल एनर्जी के साथ, और जितने लोग हैं तो एक बार लाइक और एक शेयर दोस्तों अगर आपसे हो सके तो प्लीज गाइस वो कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपका कर्तव्य हो, अगर अगर लगे कि यस हमारा कर्तव्य है गाइस। करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस वन इज स्किन गेम। इन दिस प्ले देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एस्टैब्लिश्ड एरिस्टोक्रेसी एंड द लॉर्ड। लॉर्ड कौन है गाइस? ये अनकल्चर्ड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास ऑफ लंदन सोसाइटी। कौन सा प्ले है गाइस? द स्किन गेम, स्किन गेम बाई जॉन गाल्सवर्दी। ये तो पता ही है गाइज आपको कि सारे जो भी वर्क है वो मतलब जो भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ वो जॉन गाल्सवर्दी से। दोस्तों ये जो प्ले है सो 1920 के टाइम पीरियड में आया था, अगर आपको याद हो। सो गाइज यस, द स्किन गेम इट वॉज केम इन 1920, सेंट मार्टिन थिएटर था गाइज इसके लिए, सेंट मार्टिन थिएटर में इसे परफॉर्म किया गया था, ये याद रखिएगा गाइज। यस है ना गाइज। और आपको पता होना चाहिए कि जॉन गाल्सवर्दी का एक बोन्स मैंटल गर्ल के प्लेज का एक बेसिकली कलेक्शन था, उसका भी पार्ट था गाइज स्किन गेम, अगर दोस्तों आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहां पर दोस्तों बहुत सारे कैरेक्टर हैं इस पर्टिकुलर प्ले में, स्किन गेम में। दोस्तों मैं कुछ कैरेक्टर्स के नाम लेना चाहूंगा, जैसे हिल क्राइस्ट, एमी, जिल, चार्ल्स, रॉल्फ, एना। सो दोस्तों ये कुछ कैरेक्टर हैं इस पर्टिकुलर वर्क में, और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज यू नो ये वर्क, इस चीज इस वर्क में आपको क्या देखने को मिलता है? सो देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू कल्चर रिच, दोनों के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट है। Which novel of Galsworthy attacked the artificial veneer of urban life? It's Jocelyn, The Island Pharisees, Fraternity, The Dark Flower. Correct answer. चलिए दोस्तों जल्दी से चूज करते चलिएगा बिल्कुल सभी लोग दोस्तों प्लीज। हे गाइज सब लोग बढ़िया तो हो, किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या तो जरूर आप सभी लोग बताते रहिएगा, है ना। मार्गदर्शन बहुत जरूरी है गाइस, और वो मार्गदर्शन हमेशा होते रहना चाहिए आपका और मेरा सभी का, है ना। तो मार्गदर्शन बहुत जरूरी है गाइस।
करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट वन आंसर. वाओ ग्रेट गाइस. यस सो करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज इट्स गाइस फ्रैटर्निटी. फ्रैटर्निटी बाय जॉन गाल्सवर्दी. आर्टिफिशियल वेनियर ऑफ अर्बन लाइफ गाइस. जो फ्रैटर्निटी प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का दोस्तों, तो वो अटैक करता है किसमें? आर्टिफिशियलिटी ऑफ अर्बन लाइफ पर बेसिकली गाइज, है ना. यस सो दिस इज करेक्ट वन आंसर, है ना गाइज. अगर बात किया जाए फ्रैटर्निटी की, सो ये कब आया था? सो 1909 के टाइम पीरियड में दोस्तों ये वर्क आया था, याद रखिएगा गाइज. यस दिस वॉज केम इन द ईयर 1909 गाइज. तो क्या ये एक ड्रामा है या नॉवल? दोस्तों आप जानते हैं कि ये एक नॉवल है दोस्तों. नेक्स्ट वन, विच नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी इज अबाउट द क्रिएटिव एंड डिसरप्टिव इफेक्ट्स ऑफ लव? इट्स जॉसलिन, एलन फर्सीज और फ्रैटर्निटी और द डार्क फ्लावर. कौन सा दोस्तों करेक्ट आंसर है? सभी लोग दोस्तों चूज कीजिएगा जल्दी जल्दी प्लीज. एनर्जी है कि नहीं? मॉर्निंग एनर्जी सर. हार्ट बीट बढ़ रही है. 3 दिन में कैसे प्रैक्टिस करें? कुछ मार्गदर्शन करें. बस 3 दिन में फटाफट फास्ट चलते चलो. कल दोस्तों मैं वर्ड्सवर्थ आपके लिए लेकर के आऊंगा. वर्ड्सवर्थ के कल 100 क्वेश्चन कराऊंगा, 50 नहीं. 50 में मजा नहीं आ रहा. कल 100 क्वेश्चन गाइज मॉर्निंग में 9 AM यहीं पर दोस्तों हम लोग करते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है. यस yes. So, दोस्तों इसका करेक्ट वन आंसर कौन सा है? दोस्तों करेक्ट आंसर है डी, द डार्क फ्लावर गाइज. द डार्क फ्लावर, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ लव. द डार्क फ्लावर गाइज, है ना भाई. लव के भी साइड इफेक्ट तो होते ही हैं गाइज. यस और बिना गाइज आपको पता होना चाहिए कि बिना साइड इफेक्ट के चलता कहां है गाइज, है ना. सो करेक्ट वन आंसर इज द डार्क फ्लावर गाइज, है ना. यस हे गाइज नेक्स्ट वन वर्क प्लीज. और हाँ प्लीज याद रखिएगा दोस्तों, मार्क लेनन यहां पर एक कैरेक्टर है गाइज. मार्क MARK मार्क एंड LENNAN मार्क लेनन गाइज. यस अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर का ओल्ड इंसान है ये. इसी की स्टोरी है दोस्तों इसमें. यस yes, ठीक है. Which one is the first play by Galsworthy? The Silver Box, Stripe, Justice, none of these. Halua question hai. Yes. First play by Galsworthy, guys. Hai na? Bilkul halua question hai. Yes. Correct one answer, guys. Hurry up, please. I hope so. I got correct one answer, guys. Ye hai Silver Box. This one is the very, very first play ऑफ जॉन गाल्सवर्दी गाइज. सिल्वर बॉक्स ना, बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर यही है और यही हो सकता है. हलुआ वाला क्वेश्चन था इजी और पीजी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट इन्फ्लुएंस जॉन गाल्सवर्दी? जोसेफ कॉनराड, ई गार्नेट, रिचर्ड जेफरीज और हिज वाइफ गाइज. विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट इन्फ्लुएंस गाल्सवर्दी? गाल्सवर्दी को किसने गाइज प्रभावित नहीं किया था? सभी लोग दोस्तों आंसर कीजिएगा जबरदस्त तरीके से, आंसर लिखते चलिएगा. यस करेक्ट वन दोस्तों इसका आंसर है रिचर्ड जेफरीज गाइज. यस ये कोई ऐसे इंसान नहीं थे जिन्होंने गाल्सवर्दी को इन्फ्लुएंस किया हो. बेसिकली आपने जोसेफ कॉनराड का नाम सुना होगा, ये इनके फ्रेंड थे गाइज. ये ई गार्नेट, इन्होंने भी इन्हें दोस्तों बहुत अच्छे से प्रेज किया था. मैंने ऑलरेडी कल वाली क्लास में, कल एक गाल्सवर्दी का पहला पार्ट हुआ था गाइज, तो उसी में मैंने पूछा था. और रिचर्ड जेफरीज, रिचर्ड जेफरीज दोस्तों तो इसने कभी कोई प्रेज नाम की चीज नहीं की. वाइफ से तो गाइज बिल्कुल गले से प्रभावित थे, है ना. वाइफ से जो ये प्रभाव था इनके ऊपर, तो वाइफ से दोस्तों बिल्कुल गले से प्रभावित थे ऐसा हमारा मानना है. अगर आपका भी मानना हो तो फिर भाई मान लीजिए. और दोस्तों कल वाली जो क्लास हुई थी आप देख सकते हैं, उस कल वाली क्लास को भी इसी YouTube चैनल पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ड्रॉप किया है. द सेकेंड पार्ट ऑफ द फॉर्सेट नॉवल अपीयर्ड अंडर द टाइटल गाइज. जो सेकेंड पार्ट है फॉर्सेट का
वो किस टाइटल के अंडर गाइस आया था? प्लीज जल्दी से सभी लोग प्लीज। कल वाली क्लास काफी बढ़िया चली, लगभग 10,000 व्यूज आ चुके हैं इस समय जब मैं क्लास ले रहा हूं, तो इसका मतलब है कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा कल वाली क्लास का। अरे भाई, जहां पर आप लोग हैं और जहां पर आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग है, तो दोस्तों बिल्कुल वहां पर सब कुछ अच्छा होगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ए, अ मॉडर्न कॉमेडी गाइस। यस बिल्कुल, द सेकेंड पार्ट जो फॉर्सेट नॉवल का आया था, एज इट वॉज अपियर्ड एज अ मॉडर्न कॉमेडी गाइस, है ना? यस ए करेक्ट आंसर है दोस्तों सभी लोगों के लिए और सभी मित्रों के लिए, बिल्कुल गाइस, है ना? यस करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन, या गाइस बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट वन पर आ जाइए। हाउ मेनी नॉवेल्स आर इंक्लूडेड इन अ मॉडर्न कॉमेडी? 3, 2, 1, 4 गाइस। मॉडर्न कॉमेडी में कौन कौन कितने नॉवेल हैं गाइस? यस प्लीज जल्दी से, हरी अब सभी लोग गाइस चलते चलिए, क्योंकि चलती का नाम ही गाड़ी है। यस गाइस, क्योंकि चलती का नाम ही गाड़ी है, चलते चले गाइस बिल्कुल। सो करेक्ट वन आंसर इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ए, 3, क्योंकि दोस्तों मॉडर्न कॉमेडी एक ट्रिलॉजी है ना, 3 वर्क्स आर देयर और मॉडर्न कॉमेडी इसीलिए। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मॉडर्न कॉमेडी अगर ट्रिलॉजी है, सो इसका मतलब है गाइस कि वहां पर 3 वर्क्स होंगे। कौन कौन से गाइस वर्क्स हैं अगर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। मॉडर्न कॉमेडी गाइस 1929 में ये ट्रिलॉजी आउट हुई थी, है ना? नेक्स्ट वन, विच नॉवल इज नॉट इंक्लूडेड इन मॉडर्न कॉमेडी? द व्हाइट मंकी, द सिल्वर स्पून, द स्वान सॉन्ग और अवेकनिंग गाइस। चलिए आपकी इस परीक्षा का बिल्कुल जो गाइस आपका संदेह था, मॉडर्न कॉमेडी में कौन कौन से वर्क हैं, ये दोस्तों जो संदेह है आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। करेक्ट वन गाइस, यस प्लीज, हरी अब दोस्तों प्लीज, यस चलते रहिए। वाओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अंजलि, व्हाइट मंकी, सिल्वर स्पून, अच्छा एंड स्वान सॉन्ग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये इसमें मॉडर्न कॉमेडी में नहीं है। कौन सा वाला गाइस? अवेकनिंग वाला। बाकी व्हाइट मंकी, सिल्वर स्पून एंड स्वान सॉन्ग गाइस, यस है ना? यस सो गाइस बिल्कुल, ये तीनों जो है ये वर्क मॉडर्न कॉमेडी में है और ये दोस्तों इसीलिए कहलाती है ट्रीलॉजी। ट्रीलॉजी कलेक्शन ऑफ 3 वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ 3 वर्ड्स गाइस। हाउ मेनी इंटरल्यूड आर देयर इन मॉडर्न कॉमेडी? 1, 3, 4 और 2 गाइस। मॉडर्न कॉमेडी में कौन कौन से इंटरल्यूड हैं? यस इंटरल्यूड गाइस, कौन कौन से इंटरल्यूड हैं प्लीज। चलिए दोस्तों जल्दी से आते रहिएगा, और अगर जल्दी जल्दी आप आते रहेंगे तो आंसर बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल दोस्तों करेक्ट वन आंसर इसका मुझे क्या लगता है, देखिए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका डी, देयर आर 2 इंटरल्यूड्स गाइज। और ये कौन कौन सी हैं? द साइलेंट विंग और द पासर बाई, कौन कौन से हैं गाइज? यस देयर आर 2, यस यस बिल्कुल गाइस, कौन कौन सी है प्लीज, अरे बता दीजिए भाई, अगर मुझे नहीं पता है तो वो भी तो आप बता ही सकते हैं। देयर आर 2 इंटरल्यूड्स, इंटरल्यूड्स के नाम बता दीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल मॉडर्न कॉमेडी में कौन कौन से इंटरल्यूड हैं, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं बता रहे हैं तो फिर भाई गड़बड़ बात है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर आ जाइएगा गाइड्स। 69, विच इंटरल्यूड इज नॉट इंक्लूडेड इन मॉडर्न कॉमेडी? अ साइलेंट वूइंग, इंडियन समर ऑफ फोर्सेस, पासर बाई, नन ऑफ दीज गाइड्स। तो चलिए दोस्तों सभी लोग आंसर करेंगे, सभी विद्यार्थी, चलिए दोस्तों 15 सेकेंड के साथ चलते रहिएगा, एक जबरदस्त रिवीजन गाइज। यस
एक जबरदस्त रिवीजन, यस गाइस, है ना, एक जबरदस्त रिवीजन सभी स्टूडेंट्स का, एक बार बिल्कुल एनर्जी के साथ गाइस, यस, एक बार एनर्जी के साथ आपको ये करने की जरूरत है गाइस, ये करने की जरूरत मतलब लाइक दोस्तों, यस करेक्ट वन आंसर होगा इसके लिए बी, इंडियन समर ऑफ अफोर्सिट गाइस, ये करेक्ट आंसर है बी, इंडियन समर ऑफ अफोर्सिट, दिस वन इज द करेक्ट वन आंसर, क्यों, क्योंकि ये मॉडर्न कॉमेडी में इंक्लूडेड ही नहीं है ना, और बेसिकली इंटरल्यूड की बात की जाए, इंटरल्यूड साइलेंट वूइंग एंड पासर बाई, जबरदस्त एनर्जी है भाई आप सब में, मानना पड़ेगा, मतलब आपका काफी अच्छी तैयारी है काफी सारे लोगों की, और कुछ लोगों की कमजोर दिखती है क्योंकि उनका तुक्का मुझे ज्यादा नजर आता है। गार्ल्सवर्दीज फर्स्ट नॉवल विच ही नेवर पब्लिश्ड इज मैन ऑफ डेवन, जॉकलिन, आयलैंड फैरसीज या फिर फ्रेटर्निटी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कितने लोग हैं रेडी, बिल्कुल आ जाइए सभी लोग, यस, एक स्माइल के साथ और आंसर करते चलिएगा, बिल्कुल प्रमोद मुस्कुरा रहे हैं आप, यस पीहू त्यागी, वाह ग्रेट, सभी लोग दोस्तों बिल्कुल गुड मॉर्निंग इंडिया एंड गुड मॉर्निंग यूपी, और सभी एस्पिरेंट्स को गुड मॉर्निंग एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, क्या ये सही आंसर है, बिल्कुल दोस्तों सही आंसर है, गार्ल्स वर्दीज फर्स्ट नॉवल विच ही नेवर पब्लिश्ड इज इट्स यस जॉसलीन और मैन ऑफ डेवन गाइस, बहुत सारे लोग मैन ऑफ डेवन पर चले जा रहे हैं गाइस, यस सो गार्ल्स वर्दीज फर्स्ट नॉवल, यू नो गाइस, यस फर्स्ट नॉवल ही नेवर पब्लिश्ड प्लीज, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कौन सा वाला, वही वाला है ना जिसको मैंने इंडिकेट किया है गाइस, यस करेक्ट वन आंसर, या इसके बाद आगे चलते हैं, आ जाइए बिल्कुल गाइस नेक्स्ट वन पर, गार्ल्स वर्दीज नॉवल टू लेट अपियर्ड इन द ईयर गाइस, यस गॉट इट ना गाइस, या प्लीज, जॉसलिन था दोस्तों जिसे उन्होंने पब्लिश करने से मना कर दिया था गाइस, यस, और इन्होंने अपना सूडो नेम मतलब लेकर के लिखने की कोशिश की थी, 70 का करेक्ट आंसर, गर्ल्स वर दिस नॉवल टू लेट अपियर्ड इन द ईयर 1919, 20, 21, 22 गाइस, वाओ सुपर्ब जबरदस्त ग्रेट, है ना गाइस, यस, काम करते करते पढ़ते हैं आपका क्लास, कोई बात नहीं है सोनम, यही एनर्जी है और यही आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं और पॉजिटिव अप्रोच है आपका आपके गोल के प्रति, है ना, जिसे गोल चाहिए जिसे अपना लक्ष्य चाहिए वो कोशिश कर रहा है दोस्तों, टू लेट 1921 दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल 100% करेक्ट, बहुत एनर्जी है भाई आप में सच में, गार्ल्स वर्दीज ओल्ड इंग्लिश 1924 इज अ इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, इट्स अ प्ले, इट्स एपिक पोयम, इट्स अ नॉवल, चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए, ओल्ड इंग्लिश बाई गार्ल्स वर्दी गाइज, है ना, तो प्लीज सभी लोग दोस्तों प्लीज आंसर कर दीजिएगा जल्दी से, मैं चाहता हूं दोस्तों कि आपका आंसर बिल्कुल आता रहे और मैं दोस्तों यहां से इंडिकेशन देता रहूं गाइज, है ना, यस करेक्ट वन आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, यस करेक्ट वन आंसर गाइस, ओल्ड इंग्लिश, यस गाइस करेक्ट वन आंसर है इस क्वेश्चन का दोस्तों, दूसरा वाला ऑप्शन ये है, एक प्ले ओल्ड इंग्लिश 1924, ये एक प्ले है दोस्तों जिसको लिखा गार्ल्स वर्दी ने, यस, और ब्रॉडवे थिएटर में दोस्तों इसे परफॉर्म किया गया था गाइस, यस, और आपको पता होना चाहिए कि ये वर्क भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है गाइज, यस नेक्स्ट वन क्वेश्चन, गार्ल्स वर्दीज लॉयलिटीज इज लॉयलिटीज बाई गार्ल्स वर्दी, दोस्तों ये क्या है प्लीज, गार्ल्स वर्दी, ये हलवा वाला क्वेश्चन आ गया है आपके लिए, जितने लोग भी इसे हलवा वाला क्वेश्चन मान रहे हैं प्लीज गाइज, यस
सर हम तो कपड़े धो रहे हैं, क्लास ले रहे जी हैं। वाओ गुलिस्ता परवीन, गॉड ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। यस, हमेशा आप अच्छा करें। यस, एक दिन आपकी बिल्कुल दीपक, सबकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। और मुझे दोस्तों ऐसी उम्मीदें हैं, जिस दिन दोस्तों आपकी सफलता हो उस दिन जरूर मुझे याद कीजिएगा, और असफलता हो तब भी आप मुझे याद कीजिएगा जरूर। दोस्तों करेक्ट आंसर है, ये एक प्ले है, लॉयलिटीज गाइस एक प्ले है, सभी लोग दोस्तों इसको जानते हैं। नेक्स्ट वन है, विच नॉवलिस्ट इज नोन फॉर हिज फॉर्सेड फैमिली। दोस्तों इससे अच्छा और इससे सस्ता और इससे इजी क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा जीवन में दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर फॉर्सेड वर्ड ही आ गया है। और दोस्तों इसको वही हाल है, तुझको भुला के अब जाऊं कहां, है ना गाइस। यस बिल्कुल कल्पना शर्मा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा नाम भी ले लीजिए। बिल्कुल कल्पना शर्मा जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। यस स्कूल में है, कुछ लोग क्लास ले रहे हैं, वाह ग्रेट गाइड्स। यस देखिए मैं ब्लेसिंग क्या दे सकता हूं, भगवान आपके साथ है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर गाल्स वर्दी ही है, फॉर्सिट अगर दिख जाए तो गाल्स वर्दी सिलेक्ट करने में चूकिएगा मत, है ना। यस दोस्तों आप सभी के साथ भगवान का आशीर्वाद है, आप सभी लोग एक पॉजिटिव प्रयत्न कीजिए, सकारात्मक कोशिश कीजिए, भगवान आपके साथ है। मैं तो इंसान हूं, मैं एक लर्नर हूं, जैसे आप एक लर्नर हैं वैसे मैं भी एक लर्नर ही हूं। गार्ल्स वर्दीज फॉसेट फैमिली फर्स्ट अपियर्ड इन दिस स्टोरी, कौन सी स्टोरी है गाइस जिसमें गार्ल्स वर्दी की फॉसेट फैमिली पहली बार आती है? ये जॉसलिन है, मैन ऑफ जेवन है, फोर विंड्स है, या इनमें से सभी, कौन सा आंसर है प्लीज। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर चूज कर लीजिए। यस गाइस अ वेरी हैप्पी बर्थडे गुंजन। यस ग्रेट ग्रेट गाइस, या यस बिल्कुल ऋषा मिश्रा, यू आर वॉचिंग मी, वाह क्या बात है। एक्साइटमेंट में गलत हो गया, एक्साइटमेंट मत लीजिए, विदाउट एक्साइटमेंट चलिए, ज्यादा खुशी कभी कभी बाहर हो जाती है। मैन ऑफ जेवन गाइस बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, और ये दोस्तों पहला वर्क है जहां पर ये फॉर्सेट फैमिली दिखती है हमें दोस्तों, मैन ऑफ जेवन। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, यस गाइस बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, है ना। आगे चले गाइस, यस नेक्स्ट वन, विच प्ले ऑफ गर्ल्स फॉर दी ट्रेसेस द राइवलरी ब्लेट बी इन एनोनियो रिट्स मैन्युफैक्चरर एंड एन एरिस्टोक्रैट गाइस। यस सो प्लीज स्ट्राइव जस्टिस स्किन गेम लॉयलिटीज, कौन सा है दोस्तों प्लीज, चलिए जल्दी से सभी लोग लगे रहिए, बिल्कुल मुन्ना भाई की तरह लगे रहने की जरूरत है सभी को, और अगर आप मुन्ना भाई की तरह लगे रहे तो बिल्कुल कामयाब तो होना ही है, हम होंगे कामयाब एक दिन। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका सी है, द स्किन गेम, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है गाइज। यस सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, विच प्ले ऑफ गर्ल्स वर दी ट्रेसेस द राइवलरी बिटवीन ए न्यू रिच मैन्युफैक्चरर एंड यस एंड एरिस्टोक्रेट। सो गाइज आंसर है द स्किन गेम, द स्किन गेम, द स्किन गेम गाइज, यस है ना, बिल्कुल गाइज करेक्ट वन आंसर गाइज, है ना। और यस नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर आ जाइए, गर्ल्स वर्दीज फ्रॉम द फोर विंड्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम, शॉर्ट स्टोरीज, वन एक्ट प्लेज और नॉवेल। From the four winds, from the four winds by Gals Worthy guys, yes, from the four winds. चलिए दोस्तों जो सभी लोग, या गाइज फ्रॉम द फोर विंड्स बाई जॉन गाल्स वर्दी, इट्स कलेक्शन ऑफ पोयम शॉर्ट स्टोरीज वन एक्ट प्लेज। यस दोस्तों करेक्ट वन आंसर इसका क्या होना चाहिए गाइज। सो फ्रॉम द फोर विंड्स दिस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज गाइज, कब आया था, फ्रॉम द फोर विंड्स बाई जॉन गाल्स वर्दी गाइज। तो देखिए फ्रॉम द फोर विंड्स जो है ना, तो इन्होंने पब्लिश किया था जॉन सिन जॉन, है ना गाइज, जॉन सिन जॉन, ये जो इनका टाइटल वर्क है, नाम है इनका, इस नाम से इन्होंने पब्लिश किया था गाइज। एंड द टाइम पीरियड
1897 गाइस, है ना, 1897 इज द टाइम पीरियड, यस गाइस, जब ये इनका वर्क आया था। क्लियर है सभी को दोस्तों? बिल्कुल क्लियर होगा, यस। गार्ल्सवर्दीज नॉवल इन चांसरी अपियर्ड इन द ईयर 1819, 1819, 1920, 1921 दोस्तों, कौन सा करेक्ट आंसर है सभी लोग प्लीज? यस, सभी लोग दोस्तों प्लीज करेक्ट आंसर चूज करते चलिएगा, और जितना दोस्तों आप करेक्ट आंसर चूज करेंगे उतना ही बढ़िया बात है। सो गार्ल्सवर्दीज नॉवल इन चांसरी अपियर्ड इन द ईयर, दोस्तों इसका आंसर है सी 1920, 1920 गाइज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों 1920। गार्ल्सवर्दी का जो नॉवल है इन चांसरी, इट वॉज अपियर्ड इन द ईयर। दोस्तों वन लाइक और वन शेयर जितने लोगों ने ना किया हो तो प्लीज एक बार, आपका कर्तव्य बनता है एटलीस्ट ये। विच वन इज द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द एंड ऑफ चैप्टर बाई गार्ल्सवर्दी गाइस, द एंड ऑफ द ए चैप्टर ट्रिलॉजी है गाइस, मैड इन वेट, मेड इन वेटिंग, ओल्ड इंग्लिश, द फ्लोर जस्ट द फ्लोटिंग वाइल्डरनेस, द फ्लोरिंग वाइल्डरनेस गाइज, ओवर द रिवर, कौन सा है दोस्तों जो आपके द एंड ऑफ चैप्टर ट्रिलॉजी में नहीं है गाइज? प्लीज, द एंड ऑफ चैप्टर ट्रिलॉजी गाइज, यस, एंड ऑफ चैप्टर ट्रिलॉजी कौन सा नहीं है प्लीज? करेक्ट वन आंसर गाइज, यस, दिस वन वॉल्यूम कंटेन्स, करेक्ट आंसर आपने सेलेक्ट कर दिया ओल्ड इंग्लिश को। चलिए दोस्तों आप सभी की बात मैं मान लेता हूं, इसमें से दोस्तों मेड इन वेटिंग, इसके बाद दोस्तों फ्लावरिंग है, ये टी नहीं है, फ्लावरिंग है ये दोस्तों, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, एंड देन वन मोर रिवर है गाइस, ओवर द रिवर नहीं है ये वन मोर रिवर है प्लीज, ये वन करेक्ट कीजिएगा दोस्तों इसे, इट्स वन मोर रिवर, ठीक है, वन मोर रिवर गाइज, ये तीन वर्क दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, सभी लोग दोस्तों करेक्ट कर लीजिएगा, वन मोर रिवर, ठीक, यस, और इसमें से जो ओल्ड इंग्लिश है ये दोस्तों इसमें नहीं था इस वॉल्यूम में। द एंड ऑफ द चैप्टर केम आउट पॉस्थमसली इन द ईयर 1931, 1932, 1933, 1935, द एंड ऑफ द चैप्टर गाइज, यस, हरिया प्लीज, द एंड ऑफ द चैप्टर प्लीज, केम आउट पॉस्थमसली इन द ईयर, यस, एंड ऑफ चैप्टर गाइज। चलिए दोस्तों सभी लोग बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पॉस्थमसली कब आई थी गाइज, यानी या सो दोस्तों प्लीज करेक्ट करेक्ट आंसर दोस्तों इसका कौन सा है? डी 1935 गाइज, यस, द एंड ऑफ द चैप्टर, सो दैट वाज केम पॉस्थमसली, है ना गाइज, और ईयर कौन सा है? 1935 के टाइम पीरियड में गाइज, 80 आंसर इज डी गाइज, है ना, आंसर इज डी, है ना, बिल्कुल गाइस। विच फीमेल ऑथर वॉज फायर्स क्रिटिक ऑफ गार्ल्सवर्दी? कीट्स, स्पेंसर, वर्जीनिया वुल्फ, नन ऑफ दीज। तो इसमें तो मुझे लगता है कि भाई आप सब लोगों ने 200% आंसर सेलेक्ट किया होगा करेक्ट वाला। अच्छा, आपने क्यों आपने आंसर 200% करेक्ट वाला चूज किया होगा? उसके पीछे भी एक रीजन है, और रीजन यही है कि आपको पता है इसमें से मेल और फीमेल कौन है, आंसर है वर्जीनिया वुल्फ गाइज, यस, तो वर्जीनिया वुल्फ दो लोगों की बड़ी जबर जोरदार क्रिटिक थी गाइज, है ना, कैसे देखिए मैं बताता हूं, एक तो वर्जीनिया वुल्फ गाइज जेम्स यस जेम्स जॉयस गाइज, है ना, जेम्स जॉयस जिनका यूलिसिस है, सो जेम्स जॉयस के यूलिसिस को पता है क्या बोला था इन्होंने? मिस फायर बोला था, मिस फायर, जेम्स जॉयस का जो यूलिसिस है उसको मिस फायर बोला था वर्जीनिया वुल्फ ने, और गार्ल्सवर्दी की भी दोस्तों कमजोर क्रिटिक नहीं थी, है ना,
बिल्कुल दोस्तों, सही आंसर है वूल। नेक्स्ट वन दोस्तों, एज अ पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, गार्ल्सवर्दी इज अ पोएट हू सेड, कॉनराड, लुइस कजामिया और वर्ड्सवर्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। प्लीज करेक्ट वन आंसर दोस्तों, बिल्कुल चलते रहिएगा रे आपकी स्माइल गाइड्स। यस, आपकी स्माइल बड़ी जबरदस्त है। यस, या गाइस प्लीज, एंड ऑफ चैप्टर, एंड ऑफ चैप्टर को वी विल चेक गाइस, बाद में चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। एंड ऑफ चैप्टर को हम जरूर चेक कर लेंगे, बस थोड़ा सा दोस्तों आपको लास्ट में मैं चेक करूंगा, है ना गाइस। करेक्ट वन आंसर है इसका कौन सा, बी ऑप्शन, कज़ामिया ने कहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने सेलेक्ट किया होगा आंसर ए, जोसेफ कॉनराड। अच्छा, जोसेफ कॉनराड ने नहीं कहा दोस्तों, एज अ पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट हू सेड। सो दोस्तों आंसर है लुइस कज़ामिया, है ना। यस गाइस, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेज डिड जॉन गाल्सवर्दी रोट, कॉमेडी, प्रॉब्लम प्लेज, ट्रेजेडी, नन ऑफ दीज। दोस्तों मुझे पता है कि आपको आंसर पता है, और मुझे ये पता है कि मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो बहुत इजी है दोस्तों। सही आंसर है इसका प्रॉब्लम प्लेज, क्योंकि इन्होंने कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स पर फोकस किया है गाइज। यस, कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स पर फोकस किया है, और कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल दोस्तों सही आंसर। नेक्स्ट वन, जॉन गाल्सवर्दी रिसीव द डिग्री ऑफ डी लिट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1930, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1930, डिग्री नॉट रिसीव्ड, नन ऑफ दीज दोस्तों। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सभी लोग दोस्तों, डी लिट की डिग्री गाल्सवर्दी ने ऑक्सफोर्ड 1930, कैम्ब्रिज 1930, या फिर दोस्तों इन्होंने डिग्री ही रिसीव नहीं की। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1930 गाइस, फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1930, यही दोस्तों सही जवाब है और सही आंसर है। नेक्स्ट वन, गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड सोशल ट्रेजेडीज, लव ट्रेजेडीज, कॉमिक ट्रेजेडीज, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर, सही जवाब, और दोस्तों आपके खाते में कुछ नंबर जोड़ दिए जाएंगे, और गलत आंसर यानी गलत जवाब आपका, आपके खाते से कुछ नंबर कम कर दिए जाएंगे। करेक्ट वन आंसर है दोस्तों इसका ए, दीज आर द सोशल ट्रेजेडीज, क्योंकि भाई प्रॉब्लम प्लेज, सोशल प्लेज लिखे तो सोशल ट्रेजेडीज, सिंपल सी बात बनती है भाई, आंसर करने में कोई दो राय नहीं है। हु सेड लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवार्ड, गाल्सवर्दी, जेबी प्रेस्ली, जोसेफ कॉनराड, नन ऑफ दीज। मुझे लगता है कि आपने सही आंसर देखा होगा, लेकिन स्वयं विचार करके आंसर देंगे दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। अगर आपने सही आंसर दिया तो आप हैं बहुत समझदार और बेस्ट पर्सन और बहुत ही जबरदस्त गाइस। यस, करेक्ट वन आंसर है दोस्तों इसके लिए, बिल्कुल सही आंसर, जॉन गाल्सवर्दी भाई। लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवॉर्ड कब कहा था, नाइटहुड ना लेने पर ना, ही रिफ्यूज्ड नाइटहुड गाइज, KNIGHT, यस, एंड HOOD, नाइटहुड को रिफ्यूज किया, और नाइटहुड को रिफ्यूज करते ही इन्होंने कहा था कि भैया लिटरेचर अपने आप में एक रिवॉर्ड है। यस, इन विच ईयर जॉन गाल्सवर्दी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंडन गाइज, 2021, 23, 24। चलिए दोस्तों सभी लोग आंसर कीजिएगा। यस, हलवा बोल दिया, अरे हलवा बोल दिया या हल्ला बोल दिया, ऐसा बोलिए ना आप लोग। हलवा पूड़ी और ये सब बना रहे हैं अभी, ज्यादा मत खाइएगा, थोड़ा कम खाइएगा, पढ़िएगा ज्यादा,
जो लास्ट के दिन है, ये सब दोस्तों वो दिन है जब आपका डिसीजन होने वाला है, फाइनल डिसीजन। और इस फाइनल डिसीजन के टाइम में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, 1921। प्लेन क्लब के मेंबर 21 में बने थे दोस्तों, बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफ पेन क्लब। कल भी दोस्तों मैंने कल वाली जो 50 क्वेश्चंस वाली क्लास लिया था मैंने गालसवर्दी की, लिंक पड़ा इसके डिस्क्रिप्शन में, अगर ना देखा हो तो वो 50 क्वेश्चंस देख लीजिएगा। हु सेड लाइफ इज अ लॉन्ग टेम्पटेशन, ये दोस्तों कॉनराड थे, टॉमस नैस, हिज वाइफ अदा, जॉन गालसवर्दी। लाइफ इज अ लॉन्ग टेम्पटेशन गाइस, वो टेम्पटेशन जीसस क्राइस्ट वाला वैसा ही है ना, जोसेफ कॉनराड नैश, हिज वाइफ अदा, या फिर गाल्सवर्दी, है ना। बिल्कुल दोस्तों सही आंसर, बिल्कुल गाइस। देखिए एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए, वरना परीक्षा का समय है आपके, अगर बाबू सोना जो मैंने आपको बताया था ना, अगर आपके बाबू सोना नाराज हुए तो फिर आप मना नहीं पाएंगे और परीक्षा में कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसीलिए शेयर और लाइक गाइस। जॉन गाल्सवर्दी ने ही ऐसा कहा था कि लाइफ जो है ना एक लॉन्ग टेम्पटेशन है गाइज, है ना, इट्स अ लॉन्ग टेम्पटेशन गाइज, सुपर डुपर। नेक्स्ट वन, जस्टिस इज कंटेम्पररी अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, ये किसका स्टेटमेंट है, जॉन गाल्सवर्दी, एसी वार्ड, जोसेफ कॉनराड, नन ऑफ दीज गाइज। चलिए दोस्तों चूज कीजिएगा और करेक्ट आंसर करते जाइएगा, बिल्कुल बीच बीच में याद करते रहिएगा, है ना। यस, पाप लगेगा, बिल्कुल उन लोगों को पाप लगता है ना। वैसे दोस्तों किसी को पाप वाप नहीं लगेगा, मजाक वाली बात है, थोड़ा पढ़ते पढ़ते मैं चाहता हूं इंटरटेनिंग हो जाए, बाकी आप नहीं भी शेयर करेंगे, जो भी करते हैं आप बेस्ट हैं, आप मेरे लिए बेस्ट हैं और आप मेरे लिए महत्वपूर्ण भी। दोस्तों यहां पर जो जवाब जिन लोगों ने ए दिया है वो लोग गच्चा खा गए, है ना, जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग गच्चा खा गए गाइस, गच्चा खाना समझते ही होंगे। जस्टिस इज अ कंटेम्पररी, यस कंटेम्पररी अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, या ये कमेंट्री होना चाहिए गाइस, जहां तक कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। प्लीज दोस्तों इसको थोड़ा सा, ये वाला जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट को एक बार देखिएगा, पर मुझे लगता है कि जस्टिस जो है गाइस कमेंट्री अपॉन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, और ये दोस्तों एसी वार्ड का कहना है, गाल्सवर्दी का नहीं। सभी लोग, जितने लोग गच्चा खाए हैं वो लोग कच्चा खा जाए, जिन लोगों ने गच्चा खाया वो इस क्वेश्चन को कच्चा खा जाएंगे, है ना, ज्यादा बेटर लगेगा, मस्त लगेगा आपके लिए। दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर आ जाइए और तब तक मैं थोड़ा सा ऑन कर दूं, या विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। भाई इतना इजी क्वेश्चन दोबारा नहीं आने वाला शायद, है ना। यस गाइस, खा गए ना गच्चा, अरे वो होता है गाइस, बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, जिसका सही गया तो वो बहुत जबरदस्त है। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसके लिए ए, स्ट्राइफ में ही दोस्तों, क्योंकि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट और कैपिटलिस्ट और लेबरर्स की बात हो रही है दोस्तों, स्ट्राइफ ही आंसर हो सकता है, और कौन सा आंसर हो सकता है किसी भी कंडीशन में दोस्तों, और कुछ बनता ही नहीं है, आंसर स्ट्राइफ ही होगा 100% गाइस, है ना। बिल्कुल कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स के बीच का संघर्ष कहां पर डिपिक्ट किया गाल्सवर्दी ने, स्ट्राइफ वर्क में अपने। Who commented after the death of Galsworthy? Since his death in 1933, the level of his popularity has remarkably constant. Joseph Conrad, Hermann Auld, Joseph Hampion और none of these. कौन है दोस्तों, प्लीज जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग, बिल्कुल आ जाइए गाइज, कौन है जिसने उनकी डेथ के बाद ये सब लिख डाला था दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब इसके लिए ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन में, जोसेफ हैम्पिन ने ये बात कही थी कि यस सिंस हिज डेथ इन 1933, डेथ ऑफ गाल्सवर्दी, द लेवल ऑफ हिज पॉपुलरिटी हैज रिमार्केबली कॉन्स्टेंट, कि इनकी पॉपुलरिटी का जो लेवल है वो कॉन्स्टेंटली कैसा रहा है गाइज, दैट वॉज इंक्रीजिंग। यस
हु सेड टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शंस विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स? कॉन्राड, गॉल्सवर्थी, जॉन हैम्पियन और इनमें से दोस्तों कोई नहीं, प्लीज। यस, बिल्कुल गाइस, यस, करेक्ट वन आंसर आ जाइए सभी लोग। बिल्कुल दोस्तों, चलते रहिएगा। यस, करेक्ट आंसर, बिल्कुल 100%, बिल्कुल दोस्तों, आ जाइए। यस, और आपको मैं शाम को 7 बजे मिलूंगा अन अकेडमी द लर्निंग ऐप पर। और दोस्तों, मैं आज प्रैक्टिस कराऊंगा आपके लिए क्या, जो बहुत ही अच्छी चीज हो दोस्तों आपके लिए, कुछ मीटर, कुछ लिटरेरी टर्म से क्वेश्चन, कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन, जो दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आज शाम को 7 बजे मिलेंगे अन अकेडमी पर भी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है बी। जॉन गॉल्सवर्थी ने ही ऐसा कहा था कि भाई कैरेक्टर का ध्यान दे लीजिए, एक्शन अपने आप संभल जाएगा। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, अगर यहां पर विलियम शेक्सपियर होते तो वो कहते एक्शन इज इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, गाइज उन्होंने कह दिया था। और एक्शन ऑलवेज दोस्तों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस को नेग्लेक्ट किया, वायलेट किया शेक्सपियर ने, लेकिन दोस्तों उन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन को हमेशा फॉलो किया है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। गॉल्सवर्थीज प्ले जस्टिस सोल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ गाइजियस। गॉल्सवर्थीज प्लेस प्ले जस्टिस सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अ फैमिली मैन, इंग्लिश लीगल सिस्टम, फॉरसेट सागा, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। क्या है करेक्ट आंसर गाइस? बिल्कुल सही आंसर आपके दोस्तों, सही जवाब की प्रतीक्षा। यस, हरी अप गाइस, करेक्ट वन आंसर। देखिए, एक क्लास को एक बार देख लिया बस, जो क्वेश्चन आपने एक बार देख लिया, इस समय वो समय नहीं है कि पीडीएफ लेकर के दोबारा पढ़े। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, जितने ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके, न्यू न्यू क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, यस, वो कवर करते चले। दोस्तों, यहां पर जो जस्टिस है, इसमें लीगल, इंग्लिश लीगल सिस्टम की बात की है दोस्तों, प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम गॉल्सवर्थी ने यहां पर इसकी बात की है दोस्तों। सही है ना? बिल्कुल याद रहेगा ना सभी को, बिल्कुल याद होना चाहिए। जस्टिस इज अ मशीन, व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट एंड स्टार्टिंग पुश रोल्स इटसेल्फ, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? द स्किन गेम, द मॉब, द व्हाइट मंकी, द जस्टिस गाइस। हरी प्लीज जल्दी से सभी लोग 94 पर आ जाइए। 94 करेक्ट वन आंसर गाइस, यस, 94 करेक्ट वन आंसर, प्लीज गो फॉर इट गाइस, यस। अरे बहुत ही जबरदस्त भाई, आप सभी लोग लगे हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसके लिए जस्टिस ही होगा, क्योंकि जस्टिस की ही बात की गई है ना, तो जस्टिस से जस्टिस को मैच करो और आंसर कर दो डी। नेक्स्ट वन, इट इज द सेम विद द डॉग्स, इफ यू ट्रीट देम विद काइंडनेस दे विल डू एनीथिंग फॉर यू, बट टू शट देम अप अलोन इट ओनली मेक देम सैवेज। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? स्किन गेम, व्हाइट मंकी, जस्टिस। हे गाइस, बहुत ही जबरदस्त लाइन्स हैं ये, कि ये बहुत ही गाइस जैसे डॉग्स के साथ करते हैं, कि अगर आप डॉग्स को बहुत प्यार करेंगे वो कुछ भी आपके लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी डॉग को आप बंद करके रखें सलाखों में तो वो बिल्कुल सैवेज हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा गाइस, है ना? करेक्ट वन आंसर है जस्टिस। और दोस्तों, इसमें से जस्टिस में जज साहब ने शायद ऐसी बात कही थी। बिल्कुल दोस्तों सही आंसर, और आपका टारगेट बिल्कुल जा रहा है गजब का। अच्छा दोस्तों, एक बार अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है, वो क्वेश्चंस के बारे में आपका क्या फीडबैक है? ठीक ठाक क्वेश्चंस थे। विच वर्क ऑफ गॉल्सवर्थी अर्नड हिम द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर? द फॉरसेट सागा, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, लॉयलिटीज? गाइज, क्वेश्चंस के बारे में आपका फीडबैक प्लीज। करेक्ट वन आंसर जल्दी से दोस्तों करते चलिएगा, यस, क्योंकि जितने आंसर आप करेक्ट करेंगे उतना ही बेहतर है। वाओ, ग्रेट, करेक्ट वन आंसर है दोस्तों इसका ए,
फॉरसेट सागा। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, गालसवर्दी के कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें नोबल प्राइज मिला था कब दोस्तों, 1932 में, 1932 में उन्हें नोबल प्राइज मिला था। और दोस्तों फॉरसेट सागा ने बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था गाइस, है ना। यस, फॉरसेट सागा। बेसिकली दोस्तों यहां पर फॉरसेट सागा तो आपने कई बार पढ़ा है दोस्तों। ये जो वर्ड है यहां पर यूज किया गया है सागा, सागा का क्या मतलब होता है, जिन विद्यार्थियों को, जिन मेरे साथियों को पता हो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सागा का क्या मतलब है। थैंक यू सो मच गाइज, आपका फीडबैक मुझे मिल रहा है कि अच्छे क्वेश्चन थे और यही मुझे उम्मीद थी कि आपको थोड़ा बहुत पसंद आ जाए। Which of the following does not belong to Galsworthy's three trilogies? Man of Property, Forsyth Saga, A Modern Comedy, The End of Chapter, guys. So, कौन सी इनकी trilogies में नहीं है दोस्तों? तो आप सभी लोग आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे गाइस। बिल्कुल, सागा का मतलब बिल्कुल दोस्तों होता है स्टोरी। देखिए बहुत सारे लोगों ने लिखा है सन्यासी, सेज मीन्स होता है सन्यासी, एस ए जी ए। सागा मतलब होता है दोस्तों कहानी, या फिर आप कह दीजिए कि कोई बहुत बड़ी जो कथा होती है गाइस, उसी को हम सागा बोलते हैं। जैसे एक हॉलीवुड में मूवी है ट्विलाइट सागा, सो ट्विलाइट की कहानी गाइस, सागा मीन्स स्टोरी बेसिकली, है ना गाइस। यस, करेक्ट वन आंसर इसका क्या बन रहा है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ए, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी गाइज। ये ट्रिलॉजी नहीं बल्कि फॉरसेट सागा का एक पार्ट है गाइज, ये एक वर्क है अपने आप में। एंड ऑफ द चैप्टर ट्रिलॉजी है, मॉडर्न कॉमेडी वाली ट्रिलॉजी है, फॉरसेट सागा वाली ट्रिलॉजी है, ये तीनों ट्रिलॉजीज हैं और इनमें से मैन ऑफ प्रॉपर्टी दोस्तों ये एक वर्क है, ट्रिलॉजी नहीं। तो ए आंसर इसीलिए दोस्तों करेक्ट होगा बिल्कुल गाइज। बाकी ये 1, 2 और 3 ये ट्रिलॉजीज है ना गाइस। बिल्कुल, वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग, वेयर डज दिस लाइन अपीयर्ड, अ बिट ऑफ लव, द स्किन लव, द मॉब, नन ऑफ दीज गाइस। हरिअप, चलिए दोस्तों जल्दी से आप लोग चलते चलिएगा करेक्ट वन आंसर के साथ गाइस। यस, वाओ ग्रेट गाइस, यस सागा मींस गाथा, वाओ क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा गाइस। और आप लोग हमेशा मतलब इतने ही एनर्जेटिक रहे, भगवान आपको बहुत ताकत दे ताकि आप अच्छा कर पाए अपने अपकमिंग एग्जाम में, है ना। यस, और जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो के लिंक को शेयर ना किया हो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, इस लिंक को कॉपी करके बस शेयर कर दीजिएगा, भगवान और भला करेगा। यस, करेक्ट वन आंसर दोस्तों इसके लिए है आपका आंसर ए, अ बिट ऑफ लव दोस्तों। यस, अ बिट ऑफ लव करेक्ट वन आंसर है, वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग दोस्तों, ये करेक्ट आंसर है दोस्तों आप सभी के लिए बिल्कुल। और इसके बाद आ जाइए 99, द ग्रेट थिंग अबाउट लव इज दैट Each should know what the other wants at the moment. Where does this line appear? The roof, the skin game, windows, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आंसर कौन सा हो सकता है? Please guys, हरी अब चलते चलिए थोड़ा सा और आंसर कर दीजिए। Yes guys, हरी अब हरी अब हरी अब हरी अब हरी अब please. दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला दोस्तों, करेक्ट आंसर है द रूफ। द ग्रेट थिंग अबाउट लव इज दैट, सबसे बड़ी बात प्यार के बारे में ये है, ईच शुड नो, सभी को जानना चाहिए, वॉट द अदर वॉन्ट्स एट द मोमेंट, कि दूसरा इस समय क्या चाहता है, लवर और बिलवड गाइज, यस इनमें से दोनों को जानना चाहिए कि अब दूसरा क्या इस समय चाहता है। दिस इज द वंडरफुल थिंग और ग्रेट थिंग अबाउट लव। Galsworthy's novels are chiefly occupied with the effect and conflict of individual and universe, feudalism upon monarchy, class tradition upon society, class tradition upon religion, दोस्तों करेक्ट वन आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग दोस्तों बिल्कुल आंसर करते चलिए और आंसर फटाफट बताइएगा कमेंट बॉक्स में गाइज,
और शाम को 7 बजे मुझे लाइव जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर मिल जाएगा, मेरा स्टेटस चेक कर लिया करें। अगर आपको लिंक मिले आपके नंबर पर तो थैंक यू, वेलकम, जरूर ज्वाइन करूंगा। कुछ ना लिखा करिए, बस लिंक मिल गया, बस आप मन ही मन थैंक यू बोल दिया करिए, मुझे आपका थैंक यू रिसीव हो जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। ये दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों इस तरह से मैंने आपके 100 क्वेश्चंस को दोस्तों पूरा करने का जो मैंने प्रण लिया था, इस तरह से दोस्तों मैंने आपके सारे 100 क्वेश्चंस को पूरा किया आपके साथ। ये था दोस्तों गर्ल्स वर्दी पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपको देखना हो, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार क्लिक करेंगे दोस्तों आपको मिल जाएगा, गाइस, है ना। यस, और करेक्ट आंसर तो फाइनली आपने चूज ही कर लिया है। अनअकैडमी ऐप पर शाम को 7 बजे क्लास होगी दोस्तों आपकी, और इस कोड को आप यूज करके मेरी फ्री क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। AKS राजवीर जो मेरा नाम है गाइस, यही कोड है। और बस आप अपनी तैयारी का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। और दोस्तों अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर UPHESC की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं नया बैच UPHESC के लिए। और कल दोस्तों एक हमारी स्टूडेंट सबसे पहले बैच से थी मेरी, जो मेरा बैच अनअकैडमी पर UGC नेट के लिए चला था, पल्लवी सेन, एंड फाइनली सी क्वालिफाइड CGPSC एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। पहले उन्होंने नेट क्वालिफाई किया एंड फाइनली बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। सो गाइज, अब जो भी मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स थे, जो भी मतलब मेरे स्टूडेंट्स थे, सो धीरे धीरे गाइज उनकी सफलता आगे चलनी। थैंक यू सहनाज, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइज, जितने लोगों ने भी मेरे लिए बहुत स्वीट स्वीट और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखे, और बुरे बुरे जो भी जैसे लिखे गाइज। यस, नाइस क्वेश्चंस। राजेश कुमार सर, मॉडर्न कॉमेडी पब्लिश्ड इन। राजेश, मॉडर्न कॉमेडी में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कभी थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं, और अगर गलतियां होती हैं बाय द वे तो प्लीज उसके लिए आप माफ कीजिएगा। हो जाती हैं थोड़ी बहुत गलतियां, क्योंकि सही करने की तो हमारी पूरी कोशिश होती है। 1929 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि मॉडर्न कॉमेडी जो थी वो 1929 के टाइम पीरियड में शायद आई थी गाइज, है ना। 1929 ही थी शायद मॉडर्न कॉमेडी गाइज, बाय गर्ल्स वर्दी। यस, ठीक है। तो दोस्तों अगर थोड़ी बहुत गलतियां हो, सर असिस्टेंट टीचर की भी प्रिपरेशन करवा दीजिए। नहीं, मैं UGC नेट, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेट, सेट, नेट। सर वन क्वेश्चन टोल्ड दैट वॉज रॉन्ग, प्लीज आंसर। समर प्लीज बताते रहें। यस, तो आप लोगों को मैं जरूर कर दूंगा। और हाँ, आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, डायरेक्टली आप इस क्लास से एग्जिट हो जाइए, क्योंकि ये समय आपका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। बाकी देखिए, इस समय अगर कोई डाउट है, कोई नई नई चीज, कोई नया ज्ञान दे रहा है तो मत लीजिएगा, बस पढ़ते जाओ गाइज, है ना। बिल्कुल, थैंक यू सहनाज। और दोस्तों बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक दिन आपका भी नाम मैं ऐसे ही अनाउंस करता हुआ नजर आऊंगा इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर गाइज। यस, थैंक यू नीलम मैम, थैंक यू, जरूर दीजिए, हाईली रिक्वेस्टेड। ओके जॉली, एक बार कोशिश कर लेता हूं, है ना। यस, एंड ऑफ चैप्टर पब्लिश्ड बेस्ड 1934। देखिए क्या होता है प्रेरणा, मैंने 19 जैसे 35 देखा था तो मैंने 35 कह दिया। अब इसके लिए एक ही हो सकता है कि किसी अथेंटिक बुक को मैं उठाऊं, और अथेंटिक बुक को उठाने के बाद फिर मैं दोस्तों आपको आंसर करूं, है ना। यस, सो ये बात आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल, और अब मैं दोस्तों इस क्लास को यहां पर एग्जिट करता हूं। देखिए अगर कोई आपका कंफ्यूजन है तो जो आपके पास अथेंटिक बुक्स हो उनसे जरूर मैच कर लीजिए, क्योंकि देखिए क्लास के बाद कई सारे कंफ्यूजन आते हैं। ऑब्वियसली ये कोई मतलब वो बात नहीं है कि आपको ही आते हैं, बहुत सारे लोगों को आते हैं। पार्ट 1 देखना हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और रही बात जो भी आपके कंफ्यूजन हो तो एक बार थोड़ा ट्रायल कर लीजिएगा, है ना, उनको एक बार सर्च कर लीजिए जो भी आपकी हेल्पफुल बुक्स हैं गाइस, है ना। यस, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय एंड टेक केयर। मिलूंगा दोस्तों आपसे अगली क्लास में, कल 100 क्वेश्चन वर्ड्स वर्थ के होंगे, है ना। बिल्कुल गाइस, बाय।
एंड टेक केयर। मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।